हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों जब जब भी मंथली इनकम प्लान का जिक्र आया है या फिर हम बात करें मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम का जिक्र आया है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो है जी पोस्ट ऑफिस। ऐसा क्यों? क्योंकि मंथली इनकम प्लान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग फील्ड में भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैंने प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक्सिस बैंक में मंथली इनकम प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह से आप पोस्ट ऑफिस से भी ज्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक अच्छी खासी वैल्यू पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, आपको इंटरेस्ट रेट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट का टेबल जो होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अट्रैक्टिव हमें मिल जाते हैं। अगर हम एक साल की बात करें 6.5%, सीनियर सिटीजन पे 7.5%, टू ईयर्स के ऊपर 7.26%, सीनियर सिटीजन पे 8.01%, काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर हम एज कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस की बात भी करें। बाकी देखिए दोस्तों, 3 से 5 साल के लिए या फिर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट 10 साल के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है जी 7% जनरल पे और सीनियर सिटीजन पे 7.5%। अब आप कहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस में 7.40% लेटेस्ट चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की तो देखिए एक साल के ऊपर 7.5%, 2 साल के ऊपर 8.01% और लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 7.75%, जो कि पोस्ट ऑफिस से ज्यादा है। और एक बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है, बैंकिंग फील्ड में आपको कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिए, तो मैं क्या करूंगा जी, आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा 2 साल के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लिमिट है आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही होती है, लेकिन बैंक में आप अपनी तय सीमा के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.26% और सीनियर सिटीजन पे 8.01% है। तो मैं सीधा ही मंथली इनकम कैलकुलेटर के ऊपर आपको लेकर चलता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने मंथली इनकम कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले मैं अमाउंट फिल करता हूं 7.40%, 10,000 के हिसाब से, टाइम पीरियड 5 साल का। तो देखिए क्या होगा जी, आपको 61 रुपीज पोस्ट ऑफिस में मिलेंगे अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए चेक करवाया ताकि आपको पता चल सके कि कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। तो अब हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। मैं टाइम पीरियड 2 साल सेलेक्ट करता हूं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 7.26% के हिसाब से। तो देखिए आपको 60 रुपीज जो है वो मिल जाएंगे 10,000 के ऊपर, सीनियर सिटीजन के ऊपर आपको हर महीने 66 रुपीज मिल जाएंगे 10,000 के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 7.26% के हिसाब से जर्नल पे। तो देखिए मान लीजिए अगर आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 1,00,000 के ऊपर आपको हर महीने 605 रुपीज मिलते रहेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें 2,00,000 की, तो 2,00,000 के ऊपर आपको हर महीने 1,210 रुपीज मिलेंगे। 3,00,000 की बात कर लेते हैं जी, देखिए 3,00,000 के ऊपर आपको हर महीने 1,815 रुपीज जो है वो मिल जाएंगे। सो आगे बात करता हूं मैं 4.5 लाख की। तो देखिए 4.5 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो आपको हर महीने 2,722 रुपीज जो है वो मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने 4.5 लाख रुपए इसलिए इन्वेस्ट करके बताया आपको क्योंकि पिछले साल
से जो इस बार चेंजेस आई हैं पोस्ट ऑफिस में, वो लिमिट सिंगल अकाउंट पे बढ़ के 9 लाख रुपए हो चुकी है, लेकिन पहले 4.5 लाख की थी। सो मैंने 4.5 लाख के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करके बता दी। तो आगे बात करते हैं 5 लाख की। देखिए, मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने 3025 रुपीज मिलते रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं 7 लाख की। देखिए फ्रेंड्स, 7 लाख के ऊपर आपकी जो वैल्यू बनेगी हर महीने वो कितनी बन जाएगी, 4,235 रुपीज। तो आगे बात करता हूं मैं फिर 9 लाख की। देखिए, जैसे ही मैंने 9 लाख फिल किए तो क्या हुआ, हमारी जो मंथली इनकम बन के आ गई वो है जी 5,445 रुपीज। 9 लाख इसलिए क्योंकि अब जो सिंगल अकाउंट पे मैक्सिमम लिमिट है वो है जी 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए के अगर आप कंपैरिजन देखें तो आपको जो हर महीने 5,445 रुपीज मिलते रहेंगे 9 लाख के ऊपर एक्सिस बैंक में। सो आगे 10 लाख की बात करते हैं। देखिए, 10 लाख के ऊपर आपको 6,050 रुपीज हर महीने मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें 12 लाख की, तो देखिए 12 लाख के ऊपर अब आपको हर महीने जो है 7,260 रुपीज मिलते रहेंगे जी। सो आगे बात करता हूं मैं 15 लाख की। देखिए दोस्तों, अब जो पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम लिमिट है ज्वाइंट अकाउंट के ऊपर वो है जी 15 लाख। तो 15 लाख का अगर आप कंपैरिजन करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो देखिए आपको हर महीने 9,075 रुपीज मिलते रहेंगे। अब आता है जी असली फायदा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लिमिट है 15 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बैंकिंग फील्ड में कर सकते हैं। तो मैं 20 लाख की बात करता हूं। देखिए, 20 लाख के ऊपर आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी जी 12,100 रुपीज, यानी के 12,100 रुपए आपको हर महीने मिलते रहेंगे। सो लास्ट में बात करते हैं 30 लाख की। अगर 30 लाख फिल करूंगा, देखिए दोस्तों, 30 लाख के ऊपर आपकी जो वैल्यू बनेगी हर महीने वो हो जाएगी जी 18,115 रुपीज, यानी के 18,150 रुपए आपको हर महीने मिलते रहेंगे। ये तो रही बात जनरल की, तो अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो देखिए, मैं 1 लाख रुपए दोबारा फिल करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.01% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो देखिए, 1 लाख के ऊपर आपकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 667 रुपीज। तो आगे बात करेंगे 2 लाख की। देखिए, 2 लाख के ऊपर 1,335 रुपीज आपको हर महीने मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें 3 लाख की, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा जी, 3 लाख के ऊपर आपको 2,002 रुपीज, यानी कि 2,002 रुपए आपको हर महीने मिलते रहेंगे जी। तो आगे बात करते हैं 4.5 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, 4.5 लाख के ऊपर आपको हर महीने 3,003 रुपीज, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3,000 रुपए मंथली मिलेंगे 4.5 लाख के ऊपर। बात करते हैं 5 लाख की। तो देखिए दोस्तों, 5 लाख के ऊपर अगर आप सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर मंथली इनकम प्लान लेना चाहते हैं एक्सिस बैंक में, तो आपको हर महीने 3,337 रुपीज जो है वो मिलते रहेंगे। सो आगे बात करते हैं 7 लाख की। तो देखिए, 7 लाख के ऊपर आपको 4,672 रुपीज मिलेंगे। मैक्सिमम लिमिट जो है पोस्ट ऑफिस में 9 लाख की। तो देखिए, 9 लाख ऊपर आपको 6,000 के करीब जो आपको ब्याज की राशि मिलेगी हर महीने, यानी कि 6,007 रुपीज आपको हर महीने मिलते रहेंगे। सो 10 लाख की अगर हम बात करें, तो देखिए फ्रेंड्स, 10 लाख के ऊपर आपको 6,675 रुपीज मिलते रहेंगे। सो आगे बात करते हैं 12 लाख की। तो देखिए, 12 लाख के ऊपर आपकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 8,010 रुपीज, यानी कि 8,010 रुपए आपको मिलते रहेंगे जी। तो आगे बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट 15 लाख की। अगर आप पोस्ट ऑफिस से कंपैरिजन करें तो देखिए, 15 लाख के ऊपर आपको हर महीने 10,012 रुपीज, यानी के 10,000 रुपए महीना जो है आपको मिलेगा जी
सीनियर सिटीजन्स के ऊपर अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आगे बात करते हैं 20 लाख की। तो देखिए 20 लाख के ऊपर आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13,350 रुपीज, यानी कि 13,350 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है।